शाहजहाँपुर जिले की पिपलिया इंदौर गांव में घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात में डकैती करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि डकैती के दौरान डकैत ट्रैक्टर एवं भैंस चुराकर भाग गए थे, जिसकी सूचना थाना कोतवाली में दी गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RS प्रजापति एवं थाना प्रभारी अजीत तिवारी ने एक टीम बनाकर सरगमी से अज्ञात डकैतों की तलाश की जा रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा दी गई, जिस पर टीम ने दबिश देकर 5 आरोपियों को समझखेड़ी जिला देवास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी भी सरगमी से तलाश की जा रही है। इसमें ये पिपलिया इंदौर गांव में 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जो फरियादी था वो अपने खेत के सो रहा था, खेत के बाड़े में, और वहाँ पर ये जो आरोपी लोग थे, जिस संख्या में टोटल 8 हैं जो बात स्पष्ट हुई है उसकी गिरफ्तारी के बाद, कुल 8 लोग थे। इन्होंने वहाँ आकर उसके साथ मारपीट की और उसको वहाँ जो तार पड़ा हुआ था उससे बांध दिया, और खेत के बाड़े में जो ट्रैक्टर रखा था और 3 भैंसें थी इसकी, उसको ये लूट कर ले गए थे। इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, सारे मुखबिरों के माध्यम से और जो दूसरे पुराने रिकॉर्ड वगैरह के जिन लोगों को इस तरह के अपराध करने की शौहरत थी, उनको जब टच किया तो कुल मिलाकर इस केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और घटना में जो लूटा गया था ट्रैक्टर और 2 भैंसें वो बरामद कर ली गई हैं। कुछ 3 आरोपी इस घटनाक्रम में अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, और एक भैंस जब्त होना बाकी है। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।